नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नगर परिषद बद्दी के सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने पहले नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र दीपा को शपथ दिलाई, उसके बाद उपाध्यक्ष सुषमा कुंडलस को शपथ दिलाई। इस अवसर पर नरेंद्र दीपा ने अपने संबोधन में कहा कि नगर परिषद बद्दी का चहुमुखी सम्मान विकास करवाया जाएगा, पार्षदों की सहमति से ही कार्य होंगे और सबका साथ सबका विकास योजना के तहत किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपाध्यक्ष ने कहा कि नव बद्दी सफाई व्यवस्था, सड़कें, नालियों के निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य कार्य प्रमुखता के साथ किए जाएंगे। समारोह में दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि नगर परिषद बद्दी के विकास में पैसों की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल और प्रशासन के साथ मिलकर नगर परिषद को आदर्श नगर परिषद बनाने की कोशिश करें। नगर परिषद में पिछले 18 वर्षों से होता आया है कि एक ही परिवार का शासन रहा है, उन्हीं का विकास हुआ है। जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी ने कहा कि नगर परिषद में इतने विकास कार्य करवा दो कि आने वाले समय में लोग यहां पर भाजपा को मजबूत करें। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारा प्रयास जो नगर परिषद बद्दी को वो स्वच्छ व सुंदर बनाना है, उसमें हमें सभी पार्षदों का तो सहयोग चाहिए, पर नगर परिषद बद्दी के जो वासी है उनका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हम तभी विकास कर पाएंगे अगर नगर परिषद बद्दी के सभी लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। क्यों, किसी भी काम को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो उसमें नगर परिषद के वासी, वार्डवासी सभी उसके लिए अगर हमारा सहयोग करेंगे तभी हम उस काम को पूरा कर पाएंगे। वार्डों में जो पेंडिंग काम है वो सबसे पहले हमने पहले ही प्लान अपना बनाया हुआ था। शपथ समारोह जैसे आज हुआ है, इसके बाद हमने सबसे पहले जो पेंडिंग काम है हमने उसके लिए वार्ड वाइज पीछे घूमना भी शुरू कर दिया था कि वार्डों का दौरा करके हमने जो जो काम देख रहे थे हम, पर उसमें पूरा विधायक अपने राम कुमार जी ने हमें ये सिखाने की कोशिश की कि आपको इनको अभी संविधान का पता नहीं है। हम तो संविधान तो चलो शपथ का अलग था, हम ये देखना चाहते थे कि वार्ड में क्या क्या काम है, पर उन्होंने हमें सबसे पहले यही वो कर दिया कि शपथ के पहले ये नहीं, किसी को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। चलो कोई बात नहीं, हम भी उसमें शांत हो गए कि कोई बात नहीं, अब हमने शपथ तो आज होगी, अब हमारा प्रयास जो आज से ही शुरू है और वार्डों के हिसाब से हम सब वार्डों में बारी बारी जाएंगे और वहां के जैसे RW वाले भी हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन वाले, उनसे हमने 2-3 जगह तो मीटिंगें की है कि आपके प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले क्या काम है जिसको हम बखूबी अंजाम दें। तो हमें और भी जो वार्डें रह गई हैं उसमें भी हमने अपना दौरा करना है पार्षदों के साथ, और जो जो वहाँ काम होंगे, जो जो वहाँ जनता की आवाज होगी, ये काम सबसे पहले करवाने हैं, उसकी हमारे को प्राथमिकता रहेगी, उसको सबसे पहले करवाना है। आज सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र दीपा जी और उपाध्यक्ष जी सुषमा जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास उस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस पर चली हुई है। और जो नगर परिषद बद्दी का हाल पिछले लोगों ने किया है 2000 से लेके आज तक उन लोगों का नगर परिषद के ऊपर कब्जा रहा है, तो जो दुर्दशा बद्दी की इन लोगों ने की है उसमें सुधार लाने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन हम आशा करते हैं आदरणीय नरेंद्र दीपा जी से और उपाध्यक्ष सुषमा जी से और सभी वार्ड मेंबरों से और नॉमिनेट पार्षदों से कि और दून की जनता और ख़ास करके बद्दी नगर परिषद की जनता हम सब मिल के इस बद्दी के जो क्षेत्र है नगर परिषद का उसको आगे लेके जाएं और जो विकास के काम रुके हुए हैं उसको तीव्र गति लेके आएं, और हमारा प्रयास रहेगा। आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है, और एक साल के अंदर अंदर हमने दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सड़कों की दुर्दशा थी उसको सुधारा है, और अब हमारी जो बारी है बद्दी नगर परिषद की सड़कों की है, उसमें हम पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, और ख़ास करके जो हाउसिंग बोर्ड का क्षेत्र है उसमें सड़कों की बहुत बुरी हालत है, मैंने कई बार देखा है, लोगों की कंप्लेंटें भी आई है, तो हम सब मिलके उसमें एक। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ, जो शपथ ग्रहण आज हुआ है इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे पार्षदों ने मिलके जो ये जंग जीती है, जो एक 18 साल से एक परिवार का कब्जा था और एक ही परिवार से कहने से वो काम होते थे, अब नगर परिषद बद्दी में
जितने भी पार्षद है, चाहे नॉमिनेटेड है चाहे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पार्षद है, सबकी बात सुनी जाएगी और सबके काम होंगे। ये नहीं भी बार बार एक ही आदमी जो चाहता था वही होता था, और कुछ भी फिर भी उस परिवार ने जितना हमारा ये इलेक्शन का टाइम था उस टाइम में उन्होंने जो घपलेबाजी की, 128 बीघे की कॉलोनी को रास्ते लगाए, जो हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, वो रास्ते उनके बंद किए जाएंगे। 128 बीघे में जो राम कुमार फैमिली का हिस्सा है और उसको हम बंद करेंगे और उसको कॉलोनाइजर को सिखाएंगे भी कॉलोनी किस धक्के दम पे काटी है तेने, उसको दिखाएंगे। और अभी भी उन्होंने काफी 50-60 लाख का वहां काम करवाया बिना मतलब से, कोई वादी नहीं थी वहां पे जहां पे नाला बनाया और रोड बनाया। तो इसलिए हम पूरे जो उनके गलत किए हुए कार्य है उसकी जांच करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने बता दिया है विजिलेंस जांच होगी। जहां तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है, पानी की बात है, हमने जैसे हमने नगर परिषद में हमारा चेयरमैन बनने के बाद हमने तीन वार्डों की मीटिंगें ली है, चाहे ओमैक्स है, चाहे फेस वन है, टू है और थ्री की। वहां पे जो पानी की समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, और हाउसिंग बोर्ड की जो वाटर सप्लाई है वो टोटल हम वाटर सप्लाई आईपीएच डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद और हाउसिंग बोर्ड के पास इतना बजट नहीं होता जिससे वहां डीपली गहरे ट्यूबवेल लगाए जाए। पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है, पानी का टीडीएस तभी खत्म होगा जब हम ज्यादा गहराई में जाएंगे। तो हमने जो सीओ हाउसिंग बोर्ड है उसको बोला है, उसने हाउसिंग बोर्ड के सीओ ने आईपीएच डिपार्टमेंट को लिखा है भी जो वाटर सप्लाई हो आईपीएच डिपार्टमेंट को दी जाए, जिससे वहां पे कम से कम 1000 फुट गहरे ट्यूबवेल लगा के टीडीएस का जो समस्या उसे निजात दिलाई जाए। एंड स्टार न्यूज के लिए बद्दी से आदित्य कुमार की रिपोर्ट।